Good Good morning and and with you 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 all. all Hope are fine and you enjoyed your weekend. Good to see you again. फ्राइडे को दिया था आपने जरूर किया होगा सारा का घर हमने पढ़ा था और सारा के घर के जुमले हमने किए थे और इमला के अल्फाज हमने किए थे ठीक है तो आप सबने याद किया होगा आज हम जो काम करेंगे और अपनी कॉपी पे लिखा होगा आप सारे जरा मुझे अपनी कॉपीज दिखाएं जिन जिन ने जो है आ, सारा के जो है अल्फाज जुमले मैंने आपको करने के लिए दिए थे और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के भी भेज दिए थे ताकि जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो वहां से भी देख सकते हैं ठीक है तो आप सारे मुझे अपनी कॉपीज दिखाएं कि आप सबने ये काम किया है ये yes, अभी वेरी गुड शाबाश जी जी और किसने किया है सारे जब बेटा आपका यस अब्दुल्ला सुलेमान गुड 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 जब आपका बेटा पीरियड स्टार्ट होता वेरी गुड ए बी एल वेरी गुड सबने ही किया हुआ वेरी गुड और जिन बच्चों का किसी भी वजह से बेटा मिस हो गया है उन सब ने भी जो है अपना काम जो है वो वक्त पे कंप्लीट करना है ठीक हो गया चले अभी आप सबने उदे की कॉपियां खोल लेनी है सारी अपनी अपनी कॉपीज खोल लें उर्दुए की और उसके ऊपर हाशिया लगाएं और आज हम करेंगे सारा का घर के सवाल जवाब ठीक है आज हम क्या काम करेंगे सारा का घर के सवाल जवाब तो सारे अपनी कॉपीज खोल लें आपके सामने आ रहे हैं सारा का घर का सवाल जवाब ठीक है सारा का घर के सवाल जवाब है आपके सामने आ रहे हैं आज की आपने डेट लिखनी है मैंने ऊपर सबसे ऊपर जो है वो डेट लिखी हुई है आप लोगों के लिए पीर तेरह जुलाई 2020 ठीक है सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो आज की तारीख लिखनी है उसके बाद आपने उवान लिखना है उसका अनुमान लिखना है सारा का घर और फिर सवाल जवाब जैसे मैंने काम किया है इसी तरह से आप लोगों ने काम करना है ठीक हो गया तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है जारा को सारा के घर किस दिन जाना था ठीक है जारा को सारा के घर किस दिन जाना था ठीक है तो आप सबको पता है मैंने आपको बताया था जारा को सारा के घर इतवार को जाना था जी इतवार वाले दिन जो है वो सारा को जारा के घर जाना था ठीक हो गया ठीक है जारा को सारा के घर इतवार को जाना था। पहले सवाल का जवाब है दूसरा सवाल है सारा ने जारा को अपने कमरे में क्या दिखाया ठीक है हमने पढ़ा था कि जारा जब सारा के घर गई थी उसने पूरा घर उसको दिखाया था और उसके बाद वो उसको अपने कमरे में ले गई थी तो उसने वहां पे सारा ने जारा को क्या दिखाया था सारा ने जारा को अपने कमरे में अपनी गुड़िया और दूसरे खिलौने दिखाए जी सारा ने सारा को अपने कमरे में गुड़िया और दूसरे खिलौने दिखाए सारा ने जारा को अपने कमरे में सारा ने जारा को अपने कमरे में अपनी गुड़िया और दूसरे खिलौने दिखाए उसके बाद है सारा की अम्मी ने क्या पकाया था सारा की अम्मी ने क्या पकाया था सवाल नंबर तीन है तो सारा की अम्मी ने बिरयानी पकाई थी सारा की अम्मी ने बिरयानी पकाई थी ठीक है और सवाल नंबर चार है हमारे पास जारा जारा ने सारा के लिए क्या लिया था आपको पता है कि जब जारा सारा के घर गई थी उसने उसके लिए जो है वो एक तोहफा लिया था तो इसका जवाब है जारा ने सारा के लिए एक तोहफा लिया था और वो तोहफा क्या था वो तोहफा एक किताब थी ठीक है जारा ने सारा के लिए एक तोहफा लिया था जो एक किताब थी ठीक हो गया ये आप सबको नजर आ रहा है सवाल चार सवाल जो हैं, उनके जवाब आपके सामने लिखे हुए हैं आप ये सब जो हैं, अपनी कॉपीज़ पे उतार लें जब आप लोग लिख लेंगे तो आपने मुझे जो है वो चैटबॉक्स में बताना है ताकि हम जो है वो अगले सवाल की तरफ जाएं ठीक है उतनी देर में चेक करती हूँ कि आप सब लोग लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं शाबाश वेरी गुड और अगर बेटा आप लोगों को मुश्किल हो रही हो तो इकट्ठा अच्छा लिखने में तो आप लोग सवालों की जगह भी छोड़ सकते हैं आप देख रहे हैं सवाल कितनी जगह में पूरा आया हुआ है एक लाइन में है दो लाइनों में है तो आप सवाल की जगह छोड़ के जवाब लिख सकते हैं और सवाल आप बाद में भी लिख सकते हैं चले शाबाश वेरी गुड शाबाश वेरी गुड सब बच्चे बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं वेरी गुड चले ओके बेटा जिन लोगों ने कर लिया है वेरी गुड शाबाश अभी आप सारे अपना अगर आप सब ने कर लिया है तो थम्स अप रिएक्शन शो करें सारे जिन सब ने कर लिया है ताकि मुझे पता चले क्योंकि ठीक है बहुत सारे बच्चे अभी कर रहे हैं हम उनका वेट करेंगे ठीक है Just two minutes. ओके चले जी बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है तो अभी हम जो है सवाल नंबर पांच जो है वो करेंगे ठीक है सवाल नंबर पांच है हमारे पास जारा ने जारा ने जाते हुए क्या कहा जारा ने जाते हुए सबको सलाम किया और सारा की अम्मी का बहुत शुक्रिया अदा किया ठीक हो गया सवाल नंबर पांच है जारा ने जाते हुए क्या कहा जारा ने जाते हुए सबको सलाम किया और सारा की अम्मी का बहुत शुक्रिया अदा किया आप जल्दी से आप जो है इस सवाल का जवाब कर लें उसके बाद हमारे पास टाइम है हम जो है आपका बुक वर्क करेंगे ठीक है ठीक है बेटा जिसका भी नहीं हुआ वो कर सकता है आपको जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये सब काम शेयर हो जाता है वहां से भी देख सकते हैं लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आप लोग जो है मेरे साथ ही जो है काम कंप्लीट कर लें, ताकि बाद में आप लोगों को याद करने में जो है वो मसला ना हो और आपका काम वक्त पर मुकम्मल भी हो जाए ठीक है आप इस क्वेश्चन को कर लें उसके बाद में आपको ये शो कर देती हूँ ठीक है दोबारा से एक दफा सारे सवाल दोहरा दूंगी अभी आप इसको कर लें वेरी गुड जिन बच्चों ने कर लिया उनके लिए वेरी गुड बेटा आप दोबारा से अपना काम रीचेक कर लें देखें आपने कुछ रोंग तो नहीं लिखा है आपने जो कुछ लिखा है उसको दोबारा से एक दफा चेक कर लें जो लोग काम कर चुके हैं और साथ ही जिन बच्चों ने काम कर लिया है वो अपना काम रीचेक करने के बाद अपनी बुक खोल लें सफा चालीस पे पेज फोर्टी पे ठीक है जहाँ पे सारा के घर के सवाल जवाब लिखे हुए हैं वहीं पे उसी सफ़े पे आप लोग अपनी किताब खोल लें उसके नीचे कुछ काम है जो हम करेंगे सवाल नंबर हमारे पास दिए हुए हैं दो सवाल हैं वो हम करेंगे Have you done, बेटा? इसके बाद आपको क्वेश्चन एक दफा दोबारा से दिखा देती हूँ आप सारे जो है चेक कर लें अपनी अपनी कॉपीज़ पे सवाल नंबर एक है हमारे पास जारा को सारा के घर किस दिन जाना था जारा को सारा के घर इतवार को जाना था फिर सारा निजारा को अपने कमरे में क्या दिखाया सारा निजारा को अपने कमरे में अपनी गुड़िया और दूसरे खिलौने दिखाए सारा की अम्मी ने, ने क्या पकाया था सारा की अम्मी ने बिरयानी पकाई थी जारा ने सारा के लिए क्या लिया था जारा ने सारा के लिए एक तोहफा लिया था जो कि एक किताब थी ठीक है और उसके बाद हमने आगे सवाल किया था के जारा ने जाते हुए क्या कहा सारा ने जाते हुए सबको सलाम किया और सारा के अम्मी का बहुत शुक्रिया अदा किया तभी आप सब लोग किताबें अपनी खोले सपा नंबर चालीस पे और आपने बेटा इस सबक इस सबक से ये भी सीखा है कि हमें अपने वाले देन की इजाजत के बिना जो है वो कहीं नहीं जाना चाहिए अपने माँ बाप को बता के जाना चाहिए जब हम दूसरों के घर जाते हैं तो हमें अच्छी माँ जो मैनर्स हैं तहजीब का मुजाहरा करना चाहिए सलाम सबको करना चाहिए और जिस तरह से सारा जारा ने सारा के घर जाकर अपने अच्छे रवैये का मुजाहरा किया हमें भी करना चाहिए ठीक है तो अभी आप सब लोग ये देख सकते हैं हमारे पास सफा नंबर चालीस मैंने यहाँ पे खोला है आप देखें अर अरकान मिलाइए ठीक है और उसके बाद धरोफ फलक कीजिए ये दोनों हमने करने हैं लेकिन उससे पहले आप सब लोग जो हैं अपनी डायरी निकाल के लिखने और डायरी ये है कि आपने सारा का घर के सवाल जवाब जो है वो याद करने हैं ठीक है लिखवा मैंने आपको दिए हैं याद आप लोगों ने करने हैं तो पहले आप सब जो है वो अपनी डायरी निकाल लें इसको मैं जो है वो अभी क्लोज कर रही हूँ आप डायरी निकालो मैं देखती हूँ आप सब लोग लिख रहे हैं अपनी डायरी सब लोग निकाल लें आप सबकी डायरी मैंने बेटा चैट बॉक्स में लिख दी है सारा के घर के सवाल जवाब याद करें आप लोग वहां से देख सकते हैं अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आ रही है और इसके बाद आप सब जो है वो अपनी किताबें खोल लें सफा नंबर चालीस पे और हम जो है यहाँ पे हमें सवाल जो दिया गया है में लाए इसको हम करेंगे ठीक है अरेकान में लाइए हैव यू डन सबने डायरीज लिख ली, ठीक है सारी बुक खोल लें और सारी अपनी पेंसिल हाथ में पकड़ें शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड ठीक हो गया गुड सारे जो हैं वो अपनी चले ठीक हमने अब यहाँ पे रेकान मिलाने हैं आप देख सकते हैं आपके सामने है यहाँ लफ्ज लिखा हुआ है पढ़ ती पढ़ और ती को उन्होंने अलग करके लिखा है हमने इनको मिला के लिखा है और आपको पता है कि हमारे पास एक हमने सफे के ऊपर किया था अपना काम जहाँ पे उन्होंने हमें बताया था कि जो मुरकब अल्फाज होते हैं जैसे कि ये दो चश्मी जो हे है जब ये किसी भी अरकान के साथ जो है किसी भी हर्फ के साथ सॉरी मिलकर आती है तो हम इसको पूरा इसी तरह से लिखते हैं दूसरी वाली हे नहीं बनाती है हे हाथी वाली हमने पूरे उसमें हे की नज्म भी पूरी, पूरी, पूरी। एक सफे पे हमने हे की पूरी नज्म भी पड़ी थी उसने भी उन्होंने बताया था कि किस किस तरह से हे होता है ठीक है तो जो ये हो होता है जब हम इस तरह से इसको अलग करके लिखते हैं तो हम इसको पूरा ही ऐसे लिखते हैं दूसरा वाला हे नहीं लिखते हैं ठीक है तो पहला लफ्ज है पढ़ती अब आप लो, लोगों ने इसको जोड़ के लिखना है ठीक है ये कैसे लिखना है आपने आप देखेंगे ठीक है बहुत से बच्चे कह रहे हैं हमने कर लिया है शाबाश वेरी गुड बेटा अगर आपने कर लिया है तो जिन बच्चों ने नहीं किया उनके लिए ठीक है ये देखें आपने जब इसको जोड़ के लिखा तो ये इस तरह से आ गया जब हमने इसको मिलाया ठीक है सबको समझ में आ गया उसके बाद आप देखें लिखा हुआ अच्छा अब यहाँ पे अच्छा में आप देखते हैं आवाज छा जो है इसकी दो दफा आती है हमारे पास जो है अच्छा ठीक है तो इसके ऊपर क्योंकि वो शत का निशान भी होता है उससे पता चलता है कि ये हम जब इसको हम जोड़ तोड़ करेंगे तो ये दो दफा लिखा जाएगा ठीक है लेकिन जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये एक ही दफा लिखा जाएगा ठीक है जैसे कि आप यहाँ लिखेंगे देखेंगे अलिफ आ गया अलिफ और उसके बाद अलिफ छा अच्छा यहाँ पे हम शत का निशान भी लगा देंगे ठीक है उसके बाद है बे टी क्या लफ्ज बना बे टी उसके बाद क्या लफ्ज बना बेटी जिस चीज बच्चे को लिखना आ रहा है वो शाबाश लिखता जाए ये अभी वहां आ, मैं आपको जो है लिख के बुक के ऊपर दिखा दूंगी ठीक है आ, ठीक हो गया और जिन बच्चों ने किया हुआ है वेरी गुड जिन्होंने किया हुआ है और जिनका रहता है वो साथ मेरे करेंगे ठीक है बेटी उसके बाद बेटी और ये क्या आ गया क हा काब क ताब क ठीक है उसके बाद है ले ने ले ने ले ने शाबाश ठीक है ये मैं बस वन सेकेंड के लिए अब सारे जो है जिस किसी को लिखने में मसला आया है किसी लफ्स को तो वो यहां से देख के लिख सकता है हैं पढ़ती अच्छा बेटी बेटी कहा, कहा। लेने ठीक है लेने अब आप लोग इसको कर लें और आपको जो मैंने काम दिया है आपने उसको याद करना है सवाल जवाब जो सारा का घर है और हमारे पास थ्री मिनट